Well, क्या आप भी अपने बचपन को मिस कर रहे हैं? तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे बचपन की यादों में जो दर्द मिला है उस पे नमक छिड़कने का काम मेरा है। बट ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है बे? अबे कलर आ चुका था, कलर कर। As promised, आज हम कर रहे हैं 90s के सीरियल जो तुमको और मुझको बचपन में बहुत पसंद थे। और इस चीज की शुरुआत में उस सीरियल से करूंगा जो मुझे लगता है 99% बच्चों को उस टाइम पे इतना ज्यादा प्यारा था कि कुछ बेवकूफ बच्चे अपनी जान दे देते थे। जी हाँ देव्य सज्जनों, मैं बात कर रहा हूँ टट्टीमान। नहीं, शक्तिमान की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, प्रेशर आया, रुक जाओ। शक्तिमान एक ऐसा सीरियल था जिसका टाइटल ट्रैक मुझे लगता है ना, जो बच्चा उस सीरियल को देखता था वो सबको याद है। अद्भुत अदम्यता हस्ती परिभाषा है। यार मेरे को गाने का बड़ा शौक है बट मेरे को लिरिक्स याद नहीं रहते। बट शक्तिमान एक ऐसा सीरियल था ना जिसके लिरिक्स, पूरा टाइटल ट्रैक मुझे लगता है सारे बच्चों को याद था। मतलब बचपन में तो इतनी बुरी हालात थी कि जहाँ पे कोई ऐड जाए ना, मैं शक्तिमान, फक 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 फक। और इससे भी ज्यादा आती होती थी यार, 90s में ना सबके पास टीवी नहीं था। मतलब कुछ जो रईस घर के लोग होते थे ना, उनके पास टीवी होता था BPL टाइप का। बट प्रॉब्लम यही थी कि हम लोगों के पास टीवी नहीं था उस टाइम पे। और शक्तिमान देखने के लिए ना सारे बच्चे एक दूसरे के घर देखते थे, किसके घर पे टीवी है उसी के घर पे जमकर बनता था भाई। पूरी सोसाइटी के बच्चे एक घर पे एकदम शांति से पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे हैं एक सीरियल देखने के लिए। और साले जिनके पास टीवी होता था ना, इतना एटीट्यूड, मतलब अंबानी थे वो उस टाइम के। नहीं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली अगर तुम्हारे पास 90s में टीवी था ना और बच्चे तुम्हारे घर पे शक्तिमान देखने आते थे, तुम अपने आप को अंबानी से कम नहीं समझते थे। अगर तुम नहीं भी समझते तो तुम्हारा एटीट्यूड सब बताता था। अबे लात मार के निकाल देते थे साले, नहीं आ रहा, खत्म हो गया, निकाल वे। मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने भी कई लातें खाई हैं दूसरे लोगों के घर पे। मेरे घर पे भी टीवी नहीं होता था। और इस सीरियल का वर्ल्ड फेमस डायलॉग जो मुझे लगता है आज तक टिका पड़ा है, सॉरी शक्तिमान। जब भी कोई तुम्हें ज्ञान बांट रहा होता है, ठहरो। सॉरी शक्तिमान। ज्ञानी आउट ऑफ आइडियाज है फिर भी वीडियो बना रहा है। ज्ञानी कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? सॉरी शक्तिमान। All in all, I love this serial. So I think बचपन का ये मेरा one of the favorite show रहा है। इंडिया में मेरे को लगता है कॉमिक्स में बहुत सुपर हीरो देखे हम लोगों ने, बट इंडिया में टीवी सीरियल पे इससे बेटर सुपर हीरो कभी नहीं आया अब तक। फ्यूचर में मे भी आ जाए, बट अब तक इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और इसी की तरह था एक दूसरा सीरियल, कैप्टन व्योम या मिलन सुमन। अगर तुमने कैप्टन व्योम नहीं देखा ना, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जाके देखना। और याद रखना ये 90s में बना सीरियल है। जो VFX थे उस टाइम पे उस सीरियल में, तुम देख के ताजुब कर जाते हो, बहन जो 90s में इतना अच्छा VFX मार रहे हैं, आजकल की दुनिया में क्या हुई है? अबे तुम अभी का कुछ भी तो नागिन जाके देखो बे, साफ लगता है एनिमेटेड है। कैप्टन व्योम देखो, तुम्हें स्पेशल इफेक्ट दिखेगा। मतलब बेसिकली हॉलीवुड मैच था 90s में। ये तो समय के साथ हम लोग बर्बाद हो गए, कसम से बता रहा हूँ। सुपर हीरो में शक्तिमान के बाद ना कैप्टन व्योम मेरा सुपर हीरो सेकंड नंबर का है। मुझे बहुत पसंद था, समझ कुछ नहीं आता था, बट मिलन सुमन आई लव यू, मिलन आई लव यू, इज सो क्यूट, कम ऑन गर्ल्स। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना, मिलन सुमन जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है और ज्यादा हॉट होता जा रहा है। अबे ये इसकी जवानी की फोटो और ये इसके बूढ़े की फोटो, बताओ कौन हॉट लग रहा है? कमेंट करो, मुझे बता। कहीं खुशामत नहीं, मामला डिसमिस। ऑफिस ऑफिस। दूसरा सीरियल में जिसके बारे में बात करूंगा, ऑफिस। आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों को देख भाई देख पता होगा, क्योंकि वो उस टाइम का बहुत एवरग्रीन सीरियल था। रंग बदलती दुनिया में, क्या तेरा है क्या मेरा है, एक भाई देख, एक भाई देख। बट मुझे एक्चुअली उस सीरियल से कोई याद नहीं है। मैंने वो देखा होगा, पक्का देखा होगा, बट अब मुझे उसमें कुछ भी याद नहीं क्या था कैसा था। बट ऑफिस एक लौता ऐसा सीरियल था ना जिसके बारे में आज भी हम लोग याद कर सकते हैं, हाँ ये एक एपिसोड था, ये कैरेक्टर्स थे। मतलब हर बंदा जो सीरियल में था ना, एक नंबर एक्टर। मतलब जैसे आजकल भाभी जी घर पे चलता है ना, उससे भी लाख गुना छप्पड़ फार ऑफिस उस टाइम पे था, क्योंकि लोग रिलेट करते थे बे। सेम गोज़ विद भाभी जी घर पे, सारी दुनिया ढर के, मैं बता रहा हूँ तुमको। पेपर ले लीजिए, पेन तो नहीं है, मतलब है पर मैं दूंगा नहीं। नहीं मैं लूंगा नहीं,
मैं नहीं दूंगा। मैं लूंगा नहीं। मैं दूंगा तो आप लेंगे ना। मैं पेन पेन प्लीज आप किसी और से ले लीजिए, मारना मत प्लीज, जस्ट आई एम वेरी पजेसिव जी। और इसी की तरह एक और कॉमेडी सीरियल था, तू तू मैं और जिन्होंने ये सीरियल नहीं देखा ना, लेट मी टेल यू, सास और बहू में जो तू तू मैं होती थी उसी के ऊपर ये सीरियल का नाम है। और रीमा जी और सुप्रिया जी का जो केमिस्ट्री था ना ऑन स्क्रीन, वो आज तक कोई भी सास बहू सीरियल मैच नहीं कर पाया। मुझे लगता है इकलौता सास बहू सीरियल ये होगा 90s का जिसको लोग आज भी बहुत चाहते हैं कि हाँ वापस आएगा तो देखेंगे लोग। बट अभी ये सीरियल वापस आएगा ना तो भी मैं नहीं देखेगा। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई है, मेरे घर पे चलता है तू तू मैं, जरूरत नहीं। बहू खाना बहुत बेकार है तो खुद बना ले जाके, तू तू मैं मेरा बेटा है, मेरा पति है। सॉरी भाई, सॉरी भाभी, सॉरी मम्मी, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। और सिर्फ कॉमेडी में नहीं, 90s में तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप के सीरियल की भी चॉइस थी। फॉर एग्जांपल आजकल तुम्हें कितने डिटेक्टिव वाले सीरियल दिखते हैं, कुछ भी पहले क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, घंटा मेरा। पुराने जमाने में आते थे राजा और रेंचो, जहाँ पे एक आदमी और एक बंदर केस सॉल्व करते थे। मतलब 90s में इस शो का इतना स्वैग था ना कि जिस बंदे का नाम राजा है और वो तुमसे मिल जाए, तुम्हारा सिर्फ एक ही सवाल होता था, रेंचो किधर है, फिर वो भी पलट के तुम्हें एक ही बात बोलता था, सॉरी शक्तिमान। आई बेट तुम में से बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा, बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। और अलिफ लैला वाज पैसा, मैं इतना ज्यादा एडिक्टिव था ना कि मैं उसका कोई सीरियल मिस नहीं कर सकता, मतलब कोई एपिसोड मिस नहीं कर सकता। एक नंबर मोरल वैल्यूज वाला शो है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है तुम्हें, इंसानियत, हैवानियत, लालच, जलन, सब कुछ था उस सीरियल में। और टाइटल ट्रैक अगेन, ऑसम टाइटल ट्रैक, अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। कोई लैला हमें भी दे दो, मैं तो बस ढूंढता रहा यार, मुझे भी कोई लैंप मिले जिसमें से जीनी निकले। क्या हुकुम मेरे आका, ब्रो एक बंदी चाहिए, दिला दे जीन वापस डिब्बे में, मेरे पास होती मैं डिब्बे में रहता। और तुम में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यार इतना अच्छा स्टोरी कैसे बोलता है तू। इसके पीछे ना तीन चीजें हैं जो मुझे स्टोरीज बनाने में और बताने में बहुत इंटरेस्ट देती हैं। पहला है मेरी नानी। मेरी नानी बचपन में मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाती थी और उनका जो कहानी बताने का तरीका था ना बहुत सस्पेंसफुल होता था कि इन दी एंड तक ना तुम कंफ्यूज रहते थे क्या हो रहा है, उसका क्या हुआ, यहाँ कहाँ गए, राजा रानी कहाँ गए, क्या होता है। तो जो सस्पेंस वाली चीजें है ना वो मेरी नानी ने मुझे बहुत बचपन में सुनाई थी कहानियां और वहां से मैंने सीखी थी। और दूसरा जो स्टोरी टेलिंग टाइप आया था मेरे को समझ में वो था एक सीरियल से, मालगुडी डेज। याद आई ना, आई ना, आई लव दिस सीरियल मैन। मतलब कुछ नया ही था यार, दिल खुश हो जाता था देख के ये कहानियां। और ऐसा ही एक और सीरियल था विक्रम और बेताल, अगेन हाई मोरल वैल्यूज पे क्वेश्चन होते थे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते थे, बट हर कहानी इंटरेस्टिंग कहानी होती थी। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। और ऐसे ऐसे ना जाने कितने सीरियल यार, श्रीमान श्रीमती, जहाँ पे पति बीवी और पत्नी का भाई साथ रहता था और तरह तरह की कॉमेडी क्रिएट होती थी। आई लव दैट शो। महाभारत, ये महाभारत 80s में आया था साले। महाभारत 1988 में शुरू हुआ था बट जो खत्म हुआ था वो 90s में हुआ था। मतलब महाभारत इतना अच्छा लगता है मुझे क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए उसमें, और मैं उसको दोबारा देखना चाहता था। तो मेरे ख्याल से होली के टाइम में मैंने दो तीन स्टोरीज भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, मैं महाभारत देख रहा था। फन फैक्ट, मैंने लड़ाई नहीं होने दी, मेरे हाथ में रहे दुनिया में कभी लड़ाई ना, जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था मैंने सीरीज छोड़ दी, आगे देखा ही नहीं, करो लड़ाई ना, करने ही नहीं देना। हम पांच, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5।
और इसमें से जो बेस्ट कैरेक्टर लगता था ना मुझे उस लड़की का लगता था जो दरवाजा खोलने से पहले एक गाना गाती थी। मतलब लिटरल सेंस में तुम बोल सकते हो अगर मेरे को गाना गाना पसंद है या गाना गाने की इच्छा रहती है ना मेरे दिल में वो ये लड़की है बे। जहां मौका मिले जैसे मौका मिले गाना शुरू। सॉरी शक्तिमान तुम लोगों ने एंजॉय किया और अगर एंजॉय किया तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल दोस पीपल जो जिनको ये सीरीज पसंद है 90s वाली, क्योंकि लिटरली मेरे को लगा नहीं था मैं इसका थर्ड पार्ट करूंगा। मुझे तो सेकंड पार्ट भी नहीं लगा था मैं सेकंड पार्ट करूंगा। मेरा उस मूड था पहला एपिसोड करने का, मैंने कर दिया बट तुम लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, फिर हमने सेकंड किया और आज हम थर्ड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच जिनको भी एपिसोड पसंद है, मुझे बड़ा मजा आता है ये बातें करने में, बचपन की बहुत सारी यादें होती है इन एपिसोड में। सो लेट मी नो नेक्स्ट टाइम तुम क्या चाहते हो मैं 90s का किस बारे में बात करूं, because old is gold and 90s is the best. And just in case if you're planning to buy anything from Amazon, jo link description mein use karo, that will support me, these videos and this channel. And feel free to let me know ki next time agar hum 90s kare to hum kis bare mein baat kare. Mera suggestion hai 90s ads, aur agar tum bhi agree karte ho to next week mein hum log karenge same day. Aur abhi ke liye toh abhi aap se alvida class hogi kal ek aur nayi video ke sath. Tab tak ke liye peace out. When it all goes down, I'm gonna run this town. I am my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself, lately can't turn myself down. I'm in love with you, baby. Ta-na-na, ta-na-na-na-na.